अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कनेक्शंस ऑफ सेरिबेलम और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एफरेंट्स ऑफ सेरिबेलम को और इफरेंट्स ऑफ सेरिबेलम को। एफरेंट्स ऑफ सेरिबेलम वो वाले फाइबर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करते हैं सेरिबेलम की तरफ, और इफरेंट्स ऑफ सेरिबेलम वो वाले फाइबर्स हैं जो कि सेरिबेलम से मूव कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन की तरफ। तो ये दो फाइबर्स होंगे जिन्हें हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे, और इससे प्रीवियस दो वीडियोस हैं सेरिबेलम की, उनके अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरिबेलम और डिविजन्स ऑफ सेरिबेलम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन दो वीडियोस को नहीं देखा तो पहले उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो की कंटिन्यूटी मिल सके। सो लेट्स डिस्कस। हमें पता है कि हमारा जो सेरिबेलम होता है इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सेरिबेलम की जब भी बात करते हैं तो एक ट्राइड आ जाता है फंक्शन का हमारे जहन में, वो कौन सा होता है? नंबर वन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट। हमारी जो मसल की कोऑर्डिनेशन होती है मूवमेंट के अंदर, आप चल रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन होती है आपके काम के अंदर, तो इट इज ड्यू टू द सेरिबेलम। नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज बैलेंस एंड पोस्चर। मैं खड़ा हूँ, आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका एक बैलेंस मेंटेन होता है। नंबर टू इज द पोस्चर भी, आप पोस्चर के आप खड़े हैं, आपका एक पोस्चर होता है, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका एक पोस्चर मेंटेन हुआ होता है, इट इज ड्यू टू द सेरिबेलम। एंड नंबर थ्री इज द मसल टोन। आपके जो एक मसल की टोन होती है वो मेंटेन करवाता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सेरिबेलम का, लेकिन ये किस तरीके से करवा रहा होता है आपने कभी सोचा? इट इज ड्यू टू द कनेक्शंस। सेरिबेलम के जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं, एफरेंट कनेक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है बॉडी से कि कौन सी मोटर एक्टिविटी चल रही है, मसल की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरी एफरेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है, और इफरेंट्स के जरिए ये जो तीन फंक्शंस हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, बैलेंस इन द पोस्चर और मसल टोन, इन फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। हमारी मसल्स को कोऑर्डिनेट करवाता है, बैलेंस पोस्चर मेंटेन करता है और मसल की टोन को मेंटेन करवाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एफरेंट्स और इफरेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हमारा जो सेरिबेलम की लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम सेरिबेलम को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं डिविजन्स के अंदर, और मैंने वहाँ पर लास्ट में फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम को भी डिस्कस किया था, तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में दोबारा उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से कनेक्शंस रिलेटेड होते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिबेलम के, ठीक है। तो अगर हम फंक्शनली अगर हम सेरिबेलम को हम डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, हमें पता है हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक सेरिबेलम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब सेरिबेलम का जो मिड वाला पार्ट होता है आपको पता है, इसे हम कहते हैं वर्मिस। वर्मिस की जो बिल्कुल साइड में पार्ट होता है, ठीक है, जस्ट साइड पे वर्मिस की जो पार्ट है दोनों तरफ, इसे हम कहते हैं पैरा वर्मिस, ठीक है। वर्मिस के साइड में पार्ट होगा उसे हम कहते हैं पैरा वर्मिस। पैरा वर्मिस के जो साइडों में पार्ट है इसे हम कह देते हैं दिस इज लेटरल हेमिस्फेयर, ठीक है, राइट और लेफ्ट लेटरल हेमिस्फेयर। जैसे कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी ऐसे, सेरिब्रम में भी ऐसे ही होता है राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट, इसी तरह हमारे सेरिबेलम में भी इसी तरह होता है। उसके बाद जो मेन पार्ट ऑफ सेरिबेलम से बिल्कुल जो अलग वाला पार्ट होता है इसे हम कह देते हैं फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब। तो अब हम फंक्शनली किस तरीके से डिवाइड करते हैं सेरिबेलम को, पहला हम कहते हैं फंक्शनली दैट इज अ मीडियन जोन। अब मीडियन जोन क्या होता है फंक्शनली? जो हमारा वर्मिस है इसे हम फंक्शनली कहते हैं, इसे हम कहते हैं दिस इज मीडियन जोन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट जोन। जो पैरा वर्मिस एरिया है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट जोन। लेटरल जोन जो हेमिस्फेयर हैं साइडों में दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जो हेमिस्फेयर हैं सेरिबेलार हेमिस्फेयर उन्हें हम कहते हैं लेटरल जोन। और चौथा पार्ट है बिल्कुल अलग सा, उसे हम कह देते हैं फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा मीडियन जोन है और इंटरमीडिएट जोन है इसे मिला के हम कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्पाइनो सेरिबेलम SC। जो हमारा लेट ठीक है स्पाइनो सेरिबेलम, अब मैं बता देता हूँ क्यों कहते हैं हम इसको स्पाइनो सेरिबेलम। हमारा जो वर्मिस है और पैरा वर्मिस है इसके कनेक्शंस होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड से, और इसलिए इसको हम कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम। और उसके अलावा क्या होता है कि आपको पता होगा होमनकुलस का, क्या हमारे हमने जब हमने कॉर्टेक्स को पढ़ा था तो हमें पता था एक सेंसरी होमनकुलस होता है और एक मोटर होमनकुलस होता है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी ड्रॉन हुई होती है ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर कि अगर उस पार्ट को हम स्टिमुलेट करेंगे तो वही पार्ट की मूवमेंट होगी, तो इस तरीके से पूरी बॉडी ड्रॉन होती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमनकुलस। तो यहाँ पर भी सेरिबेलम के ऊपर भी उसी तरह होमनकुलस प्रेजेंट होता है,
कैसे, जो वर्मिस है इस वर्मिस के ऊपर हमारा हेड, फॉर सपोज ये आप हेड है, ये नेक आ गई और ये हमारा ट्रंक, और जो पैरा वर्मिस है इसके ऊपर हमारे अपेंडिजेस यानी हमारी अपर और लोअर लिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक, आप यहाँ पे आप समझ जाएंगे जो मीडियल जोन है इंटरमीडिएट जोन है यानी वर्मिस और पैरा वर्मिस, इसको हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम। स्पाइनोसेरिबेलम के कनेक्शंस होते हैं विद द स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारी मसल को कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कौन से, जो हेड नेक और ट्रंक के मसल हैं इनको वर्मिस, और जो हमारे अपर और लोअर लिम के मसल हैं इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा पैरा वर्मिस जोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को मिला के कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम। अब उसके बाद दूसरा जो जोन है हमारे पास लेटरल जोन। लेटरल जोन बेसिकली, इसे लेटरल जोन को हम कहते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम, ठीक है। ये लेटरली जो हेमिस्फेयर्स है इन्हें हम कह देते हैं फंक्शनली सेरिब्रो, ठीक है, CERIBRO, सेरिब्रो सेरिबेलम। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके कनेक्शन होते हैं विद द लेटरल जोन के साथ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेरिब्रो सेरिबेलम, ठीक है। और जितनी भी मोटर एक्टिविटी हो रही होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब। फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब बेसिकली क्या होता है, इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर सेरिबेलम, ठीक है, वेस्टिबुलर सेरिबेलम। इसे हम क्यों कहते हैं वेस्टिबुलर सेरिबेलम, क्योंकि जो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है वो उसके कनेक्शंस होते हैं विद द फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, और ये हमारी इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करता है फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं फंक्शनली सेरिबेलम को। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पढ़ा है उसका आउटर ग्रे मैटर होता है और इनर वाइट मैटर होता है, ठीक है। लेकिन इनर वाइट मैटर के अंदर भी कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। तो इसी तरह सेरिबेलम के अंदर भी आउटर ग्रे मैटर होता है, इनर वाइट मैटर होता है, और इनर वाइट मैटर के अंदर कुछ क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर के, उन्हें हम कहते हैं इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई, ठीक है। वाइट मैटर के अंदर जो ग्रे मैटर प्रेजेंट है सेरिबेलम में उसे हम कहते हैं इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई। अब वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, वो चार पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं यानी राइट पे चार और लेफ्ट पे चार, ठीक है, चार पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये सी शेप, ठीक है, ये सी शेप के अंदर जो है इसे हम कहते हैं डेंटेट न्यूक्लियाई। उसके बाद दिस वन इज अ एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियाई। उसके बाद ग्लोबोस न्यूक्लियाई और ये हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियाई। तो ये पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्लोबोस और एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस होता है इसे हम मिलाकर कहते हैं इंटरपोस्ट न्यूक्लियस, ठीक है, इंटरपोस्ट न्यूक्लियस। अब ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं ये रिलेटेड होते हैं, इसके कनेक्शन होते हैं फंक्शनली ये जो पार्ट्स मैंने बताए इनके साथ, ठीक है। जो हमारा डेंटेट न्यूक्लियस होता है इसके कनेक्शन होते हैं विद सेरिब्रो सेरिबेलम जो क्या है लेटरल जोन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोस, ठीक है, एम्बोलीफॉर्म और जो ग्लोबोस हमारा न्यूक्लियाई है जिसे हम इंटरपोस्ट न्यूक्लियस कहते हैं, इसके कनेक्शन होते हैं विद सेरिब्रो सेरिबेलम के साथ, ठीक है। और जो हमारा फेस्टिजियल न्यूक्लियस है लास्ट में उसके कनेक्शन होते हैं विद द फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन होते हैं इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई के साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम के साथ, जो कि मैंने आपको भी फंक्शनली सारा बता दिया। सो लेट्स गेट बैक कि हम दोबारा आ जाते हैं इसके ऊपर ही कि एफरेंट्स और रिफरेंट्स, ये सब मैंने इसलिए बताया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ताकि आप वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ सके जो भी हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी एफरेंट्स कि कौन कौन से एफरेंट्स हैं सेरिबेलम की तरफ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के जरिए ट्रेवल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा जो सेरिबेलम है वो लेटरली और पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन स्टेम के, ठीक है, ब्रेन स्टेम के बिल्कुल पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। तो जितने भी एफरेंट हैं और इफरेंट हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं तीन पेडेंकल्स के जरिए, ठीक है। कोई आप सपोज करो फाइबर्स आ रहे हैं एफरेंट्स बहुत सारे तो एक पूरा एक बंडल बना देते हैं, उसे हम कह देते हैं पेडेंकल। तो इस तरीके से तीन बंडल्स बन जाते हैं जिसके जरिए फाइबर्स सेरिबेलम के अंदर और बाहर जा रहे होते हैं। उन तीन पेडेंकल्स को क्या कहते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, मिडल सेरिबेलर पेडेंकल। सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, मिडल सेरिबेलर पेडेंकल प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ पॉन्स, और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडेंकल प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ मिडल्ला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स सी द एफरेंट्स ऑफ सेरिबेलम। अब एफरेंट्स को इजीली समझने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया कि ऐसे एफरेंट्स जो कि कॉर्टेक्स से आ रहे हैं उसे हमने अलग कर दिया, ऐसे एफरेंट्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं उसे अलग कर दिया, और इन दोनों के अलावा जो दूसरे पार्ट से ब्रेन स्टेम से आ रहे हैं या डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं उन्हें हमने अलग कर दिया ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स। कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स आपको नाम से पता चल रहा है
हमारे जो चारों लोब्स है ब्रेन के वहाँ से फाइबर्स ट्रेवल करते हैं और वो पॉन्स तक आते हैं, ठीक है। अब पॉन्स के ऊपर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉन्टाइन न्यूक्लियाई। पॉन्टाइन न्यूक्लियाई के ऊपर सैनेप्स करते हैं, तो ये कौन से फाइबर्स बन जाए, बन गए कॉर्टिकोपॉन्टाइन फाइबर्स। अब पॉन्टाइन न्यूक्लियाई से फाइबर्स निकलते हैं और वो डेक्यूसेट करते हैं, यानी राइट वाले न्यूक्लियाई से ट्रैवल करके लेफ्ट पे चले जाएंगे और लेफ्ट वाले जो फाइबर्स होंगे पॉन्टाइन न्यूक्लियाई के वो राइट पे आ जाएंगे और वो डेक्यूसेट करके सेरिबेलम तक चले जाते हैं, सेरिबेलम में एंटर करते हैं और वहाँ जाके सैनेप्स करते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई और सेरिबेलम के न्यूरॉन्स के साथ। तो उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। तो पूरा एक ट्रंक बन जाता है ये कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं। सेकेंड सेट ऑफ फाइबर्स कौन से, सेरिब्रो ओलिगो सेरिबेलर फाइबर्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आए वो इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस तक आते हैं और इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से सेम फाइबर डेक्यूसेट करेंगे और सेरिबेलम के अंदर मूव कर जाते हैं और वहाँ जाके सैनैप करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो दे देते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो ओलिगो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। अब नंबर थ्री पे क्या हो गया, सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर फाइबर्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आए और वो रेटिकुलर फॉर्मेशन पे आए। आपको पता है रेटिकुलर फॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं विद इन द ब्रेन स्टेम, तो वहाँ पर आकर बायलैटरली ये आकर सैनैप्स करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन पर और रेटिकुलर फॉर्मेशन से ये मूव कर जाते हैं इनसाइड द सेरिबेलम। तो इन्हें हम कह देते हैं सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर फाइबर्स। तो ये तीन मेन सेट ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स से सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ट्रैवल कर रहे होते हैं सेरिबेलम तक, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट मोटर एक्टिविटीज चल रही होती हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, मेरी ब्रेन ने उसको पहले ही प्लान कर लिया पूरा, ठीक है। तो वो जो सारी मोटर एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है वो सेरिबेलम तक आ रही है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन आएगी तभी तो ये कोऑर्डिनेट कर पाएगा, तभी तो बैलेंस पोस्चर को मेंटेन कर पाएगा। तो वो सारी जो मोटर एक्टिविटीज़ सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आ रही होती है ब्रेन स्टेम के पास, सॉरी सेरिबेलम के पास इन फाइबर्स के जरिए। अब उसके बाद आ गए एफरेंट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन से एफरेंट्स आ रहे हैं, नंबर वन इज अ क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट ड्रॉ किया। क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट ट्रैवल करता है, आपको पता है जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं पोस्टीरियर हॉर्न से, ठीक है। और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अंदर। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का जो सेंट्रल प्रोसेस है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट के अंदर वो ट्रैवल करता है अप टू द मेडल्ला और मेडल्ला में आकर वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस ऑफ मेडल्ला के पास सेनेप्स करता है और उस न्यूक्लियस क्यूनिएटस ऑफ मेडल्ला से सेम साइड के ऊपर जिस सेरिबेलम के अंदर चला जाता है फाइबर न्यूक्लियस क्यूनिएटस से निकल के, ठीक है। तो इस वाले पूरे ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट और ये सेम साइड पे ही रहता है, ठीक है, डेक्यूसेट वगैरह नहीं करता ये। और इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये कैरी करता है हमारा अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। C2 स्पाइनल सेगमेंट से लेके C8 तक, ठीक है, मोस्टली अपर पार्ट ऑफ बॉडी और आर्म्स हमारे अपर लिम आ जाती है इसमें। तो यहाँ से ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को लेकर जाता है सेरिबेलम तक। अब अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन क्या है कि आपके मसल स्पिंडल और जो गॉल्जी टेंडन्स हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली जारी होती है आपके मसल्स की कि किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना है, आपको वो पता भी नहीं होता। अनकॉन्शियसली प्रोप्रियोसेप्शन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल कर रही होती है इस ट्रैक के जरिए सेरिबेलम की अपर बॉडी की हमारी, ठीक है। अब सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये भी सेम है, ये आकर ट्रैवल करेगा यहाँ पोस्टीरियर हॉर्न में, ये सैनैप्स कर जाता है, ये मेडल्ला तक नहीं जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर ये सैनैप्स करता है सेंट्रल प्रोसेस और वो सैनैप्स करता है विद द न्यूक्लियस डॉर्सालिस के साथ। अब पोस्टीरियर हॉर्न से दूसरा फाइबर निकलता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो आता है डेक्यूसेट करता है दूसरी तरफ और लेटरल कॉलम में ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे आपको एक अच्छी बात पता लगी थी, वो ऊपर आता है, ऊपर आके वो दोबारा डेक्यूसेट कर जाता है, ठीक है, और वो दोबारा से डेक्यूसेट करके सेरिबेलम के अंदर मूव कर जाता है। इसे हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या समझा कि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट में पहले इसने डेक्यूसेट किया और ऊपर आया तो फिर डेक्यूसेट कर लिया, तो यानी ये भी सेम साइड पे ही है। यहाँ अगर राइट से ये यहाँ पे लेफ्ट हुआ, ऊपर आके ब्रेन में दोबारा राइट हो गया, तो ये सेम साइड पे ट्रैवल कर रहा होता है, ट्रैवल अलग साइड पे करता है लेकिन इसकी जो फंक्शंस हैं वो सेम साइड पे ही होते हैं क्योंकि दो बार डेक्यूसेट करता है। और ये भी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करता है फ्रॉम लोअर बॉडी, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो T12 से लेके L5 तक, ठीक है। ये जो लोअर बॉडी की हमारी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होती है ये कैरी कर रहा होता है
सेरिबेलम तक। उसके बाद हम बात करें पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये हमारे लोअर लिम्ब की बेसिकली जो हमारी लोअर लिम्ब है उसकी जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है उसको ट्रैवल कर उसको लेके जा रहा होता है सेरिबेलम तक, और ये बेसिकली T1 से लेके S5 तक, ठीक है, जो जितनी अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है उसको ये ट्रैवल कर रहा होता है, और ये सेम साइड पे ट्रैवल करता है न्यूक्लियर डॉर्सालिस से निकल के सेम साइड पे ही रहता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रैक्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं सेरिबेलम तक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे होते हैं। अब उसके अलावा जो और ट्रैक्स आ गए हमारे पास, अदर ट्रैक्स हैं, नंबर वन उसमें आ गया हमारे पास टेक्टो सेरिबेलर ट्रैक। आपको पता है हमारा जो मिड ब्रेन होता है उसका एक एरिया होता है टेक्टम, ठीक है, वहाँ से ये ट्रैक निकलता है और ये आता है सेरिबेलम तक। अब बेसिकली कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दे रहा है सेरिबेलम को, तो आपने अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े होंगे, मेरी वीडियोस देखें, तो आपको पता होगा कि एक ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम तक आता है। उस ट्रैक्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है अबाउट स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस क्या है कि आपकी जो आइज की, हेड की और नेक की मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई, कोई भी विजुअल स्टिमुलाई है और उसकी रिस्पॉन्स में आपकी हेड और हाई की आइज की और हेड की जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो इन रिफ्लेक्सेस की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेक्टम तक आती है बाय स्पाइनो टेक्टल ट्रैक, और यहाँ से चली जाती है सेरिबेलम तक बाय टेक्टो सेरिबेलर ट्रैक। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक। अब वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक क्या है कि आपको पता है कि हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसे हम कहते हैं वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, जिसके दो कॉम्पोनेंट हैं, एक कॉकलियर कॉम्पोनेंट जो कि ऑडिटरी स्टिमुलाई को लेकर आता है, दूसरा वेस्टिबुलर कॉम्पोनेंट जो कि हमारा इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करने में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आती है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई उस इन्फॉर्मेशन को सेरिबेलम को दे देते हैं बाय वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट। उसके बाद अगर ट्राइजेमिनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, 5th क्रेनियल नर्व है उसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो एक उसका कंपोनेंट होता है फेस पे जो कि फेस के जो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है फेस के मसल्स की उसको लेकर जाना होता है, तो वो आता है ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई के पास प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फेस मसल्स, और फिर वहाँ से ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियाई से सेरिबेलम तक आता है, इसे हम कह देते हैं ट्राइजेमिनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये कुछ ट्रैक्स थे जो कि एफरेंट थे सेरिबेलम के। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि ये ट्रैक्स कौन से पेडंकल के ज़रिए जाते हैं, क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए कौन से पेडंकल से कौन सा ट्रैक गुजरता है, और ये बहुत इजी है क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आपको मैं सिंपल बात बता दूँ, जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है ये सिर्फ एफरेंट है, यहाँ से कोई इफरेंट ट्रैक नहीं जाता, यानी एफरेंट ही जाते हैं और वो एक ही जाता है, ठीक है, आप उसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। अब आपको पता है जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है वो किसके लेवल पर प्रेजेंट है, पॉन्स के लेवल पे, तो पॉन्स से एक ही ट्रैक निकल रहा है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स। तो ये आ गया हमारे पास मिडल सेरिबेलर पेडंकल, क्लियर हो गया। अब यहाँ से कोई इफरेंट नहीं जाएगा ना कोई एफरेंट जाएगा, एक ही जाता है। अब हम देखते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल को, ठीक है, यहाँ से दो एफरेंट्स ट्रैवल करते हैं उसको हम निकाल देते हैं, बाकी सारे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के होंगे। अब वो कौन से होते हैं, नंबर वन आप तो मैं बता दूँ टेक्टो सेरिबेलर ट्रैक जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जा रहा है। आपको पता है टेक्टम कहाँ पर है, मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन के लेवल पे क्या है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इजी है। अब सेकंड पे कौन सा होना चाहिए, अब इसमें सबसे पेक्यूलियर एक अलग सा ट्रैक कौन सा है, वो है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। वो कौन सा है, क्यों, वो दो बार डेक्यूसेट कर रहा है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाला भी है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये आ गए हमारे पास दो यहाँ पर, एक इसका, बाकी जितने ट्रैक्स हैं वो सारे ट्रैवल करते हैं थ्रू इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी लेंदी भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर चीज़ को तो आपको समझ नहीं आएगा। सो लेट्स सी कि इफ्रेंट्स ऑफ सेरिबेलम कौन से, मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ इनको। अब मैं इफ्रेंट्स को मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारा जो सेरिबेलम है, इस सेरिबेलम में इसका जो कॉर्टेक्स होता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स, इसकी तीन लेयर्स होती हैं, मॉलिक्यूलर लेयर, परकेंची लेयर और ग्रैनुलर लेयर, ठीक है। जिसी तरह हमने कॉर्टेक्स में भी पढ़ा था कि उसकी 6 लेयर्स होती हैं, तो यहाँ 3 लेयर्स होती हैं। अब जो परकेंची न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इफ्रेंट्स देते हैं। अब वो इफ्रेंट्स दो तरीके से देते हैं, एक इफ्रेंट तो होगा वो सेरिबेलम से निकला और वो डायरेक्ट आया बाहर ब्रेन स्टेम या हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और वहाँ जाके अपनी डेस्टिनेशन पे जाके साइनेप्स कर लेगा, एक तो ये मेथड हो गया।
अब दूसरा जरिया क्या होता है कि वो परकंजी न्यूरॉन आए और उन्होंने इनसाइड पे किसी भी इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लिया के साथ सिनेप्स किया, और अब जो इफ्रेंट निकलेगा वो इनसे निकलेगा, ठीक है, वो इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लिया से निकलेगा। तो इसलिए हमने डिफरेंट नेम्स देते हैं। देखो ये है सेरिबेलोरुब्रल फाइबर्स, यानी सेरिबेलम से डायरेक्ट गया है। ये हमारे पास डेंटेटोथैलेमिक यानी डेंटेट न्यूक्लियस से थैलेमस तक गया है। अगर ये डायरेक्ट गया होता इसे हम कह देते हैं सेरिबेलोथैलेमिक फाइबर, ठीक है। तो नामों में कुछ चेंजिंग आ जाती है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। वैसे भी आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है, इनसाइड जो सेरिबेलम के अंदर किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं सारे, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तब आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी सेरिबेलोरुब्रल फाइबर्स। अब सेरिबेलोरुब्रल फाइबर्स क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ, सेरिबेलम से फाइबर जाते हैं रेड न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब रेड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। अगर आपने ब्रेन स्टेम वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये सब पता होगा। तो रेड न्यूक्लियस तक जो फाइबर्स आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सेरिबेलोरुब्रल फाइबर्स, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, अब मैं आपको एक बता दूँ, एक ट्रैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। वो ट्रैक्ट जो रेड न्यूक्लियस से निकलता है और वो स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है उसे हम कहते हैं रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। और रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट का फंक्शन ये होता है बेसिकली, वो हमारे फ्लेक्सर मसल्स की टोन को और उसके एक्शन को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं, आपको पता है कि बाइसेप ही फ्लेक्सर मसल है, तो जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं उनकी टोन को और उनकी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलोरुब्रल फाइबर्स। और ये वाला जो रुब्रो स्पाइनल फाइबर्स, ठीक है, रुब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये वाले जो फाइबर हैं ये उसकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सेरिबेलम से इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं रेड न्यूक्लियस तक। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटेटोथैलेमिक फाइबर्स। डेंटेट न्यूक्लियस से निकले फाइबर्स बाहर निकले, डेक्यूसेट करते हैं, अपोजिट साइड पे थैलेमस पे जाते हैं, और थैलेमस का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस, ठीक है। तो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस पे जाकर ये एंड कर जाते हैं। अब वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं और वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स तक जा रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सेरिबेलम कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है मोटर इन्फॉर्मेशन की, उसको सेरिबेलम ने एनालाइज किया, अब उसने इन्फॉर्मेशन दोबारा उनको वापस दे दी कि हाँ इस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जारी होती है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स तक। उसके बाद आ जाता है डेंटेटो ओलिवरी फाइबर्स। डेंटेट न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं, डेक्यूसिएट करते हैं, अपोजिट साइड वाली इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई पर जाते हैं। अब इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई के बेसिकली कनेक्शंस होते हैं हमारे कॉर्टेक्स से, मोटर पार्ट से, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ भी ओलिवरी न्यूक्लियस के कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जाकर सेरिबेलम बेसिकली मॉड्यूलेट करता है हमारी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ को, उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है इस ट्रैक्ट के जरिए। चौथा ट्रैक्ट आ गया हमारे पास फेस्टिजियो रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। फेस्टिजियल न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं और वो रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्रू और ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होता है एज इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है इससे ट्रैक्ट निकल रहा होता है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या होता है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट हमारे फ्लेक्सर मसल्स को और हमारे एक्सटेंसर मसल्स को, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है और हमारी लोकोमोशन और पोस्चर को मेंटेन करवाता है। अब स्टिमुलेट कैसे करता है, थ्रू रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अगर फ्लेक्सर वाला काम कर रहे हो आपको फ्लेक्सर स्टिमुलेट होगा, एक्सटेंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों स्टिमुलेट हो गए तो फिर तो आपकी मूवमेंट होगी ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन होती है, एक स्टिमुलेट दूसरा इनहिबिट, दूसरा स्टिमुलेट ये वाला इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट मेंटेन करता है हमारे पोस्चर को और बैलेंस को और लोकोमोशन में हेल्प देता है। तो ये जो फाइबर ट्रैक्ट होता है फेस्टिजियो रेटिकुलर फाइबर्स, ये उसमें कोऑर्डिनेशन दे रहे होते हैं, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गया सेरिबेलोवेस्टिबुलर फाइबर्स, ठीक है। सेरिबेलम से फाइबर निकलते हैं, वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक आते हैं। अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से एक ट्रैक्ट निकल रहा होता है उसे हम कहते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है, वो टोन को और मसल टोन और स्टिमुलेट करता है एक्सटेंसर मसल्स को। रुब्रो स्पाइनल फ्लेक्सर को कर रहा था और वेस्टिबुलो, ये वाला हमारे पास सेरिबेलम वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट स्टिमुलेट करता है हमारे एक्सटेंसर मसल्स को, एंटी ग्रेविटी मसल को। अगर आप अभी पोस्चर आपका जो मेंटेन होता है, आप अगर मैं खड़ा हूँ, इट इज़ ड्यू टू द एंटी ग्रेविटी मसल जिन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स। तो उन्हें ये मेंटेन कर रहा था वेस्टिबुलर स्पाइनल, और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे जो पोस्चर मेंटेन हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द सेरिबेलो वेस्टिबुलर फाइबर। ये सेरिबेलम से इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है। उसके बाद आ जाता है सेरिबेलो ओलिवरी फाइबर, इट इज़ द सेम, यहाँ डेंटेटो ओलिवरी है, ये सेरिबेलो ओलिवरी है। ये डेंटेट न्यूक्लियस से फाइबर्स जा रहे हैं
और ये डायरेक्ट सेरिबैलम की परकेंची डायरेक्ट आ रहे हैं ओलिवरी न्यूक्लियस तक, और इनका भी सेम फंक्शन है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन आ रही है ओलिवरी न्यूक्लियस तक और जो कॉर्टेक्स से आ रही है उसको ये मॉड्यूलेट करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद सेरिबैलो रेटिकुलर फाइबर्स, सेम फेस्टिजियो रेटिकुलर की तरह कि रेटिकुलर स्पाइनल ट्रंक जो है वो जो हमारे रेसिप्रोकल इनहिबिशन करवाकर हमारी लोकोमोशन और पोस्चर को मेंटेन करता है, तो ये यहाँ पर बेसिकली उसी को कोऑर्डिनेट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एफरेंट्स ऑफ सेरिबैलम। लेट्स सी कि कौन सा एफरेंट कौन से पेडंकल के जरिए ट्रैवल कर रहा होता है। यहाँ पे तो हमने पहले बता दिया, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मिडल से तो एक ही जा रहा था और वो एफरेंट था, वो तो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूँ। सेरिबैलो रूबरल फाइबर्स, पहला फाइबर है रूबरल फाइबर्स। अब रेड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के लेवल पे क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल, ये हो गया सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल। बाकी तीनों जिनका न्यूक्लियस के साथ नाम है, ठीक है, डेंटेटो थैलेमिक, डेंटेटो ओलिवरी, फेस्टिजियो रेटिकुलर, ये तीनों भी हैं सुपीरियर सेरिबैलर पेडंकल के, ये भी यहीं से गुजरते हैं। जब आपको ये पता लग गया बाकी तीन क्या रह गए, सेरिबैलो वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर निकला कहाँ होता है? मेडल्ला में। सेरिबैलो ओलिवरी, ओलिवरी न्यूक्लियस भी मेडल्ला में प्रेजेंट होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है तो वैसे के लिए पूरे ब्रेन स्टेम में, लेकिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन द पॉन्स और मेडल्ला। तो ये जो तीन है ये ट्रैवल करते हैं थ्रू इन्फीरियर सेरिबैलर पेडंकल। तो आप जब इजी इसको आप ट्रिक के जरिए याद करेंगे तो आपको इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया है, जो एफरेंट्स हमने डिस्कस किया और इफरेंट्स को भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, किस तरीके से जाते हैं। तो ये कुछ मैंने पिक्चर्स भी ड्रॉ की थी, आप इनको भी देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई ये चीज़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें।